किया है हमने, पर किस कीमत पर। तो ये पानी की हालत है, नदियों की हालत। अभी अभी आया है कि ये जो बड़ी नदियां हैं, इनका किसी का पानी नहाने लायक भी नहीं, पीने लायक की बात तो अलग है। अब हम तो गंगा जल के भक्त हैं, और मेरे एक मित्र ने कुंभ के समय में एक महीना रह करके रोज गंगा जी का आचमन किया। करना चाहिए, सुबह सुबह स्नान करो, फिर माँ को पानी का लेकर के अपने शरीर के भीतर भी डालो, केवल बाहर ही बाहर नहीं। और जब वो महीना खत्म होने को आया, उससे दो तीन दिन पहले पेट में जबरदस्त दर्द हुआ, हॉस्पिटल गया, उसने कहा स्टूल टेस्ट कराएंगे। कराया तो कहने लगा, अरे इसमें इतने सारे जीवाणु हैं, इतने सारे रोगाणु हैं, इतना गंदा तुम कहां से अपने पेट में भर के लाए। और उसने 15 दिन तक उसका इलाज कराया, तब कहीं जाके दर्द थोड़ा कम हुआ। और 15-20 दिन के बाद फिर से स्टूल टेस्ट किया, उसने कहा मैंने सब जीवाणु मार दिए, पर एक ऐसा है जिसको तुम्हें जीवन भर साथ रखना पड़ेगा, उसके साथ ही जीना पड़ेगा। ये हमारी गंगा माता का जल है। ये किसने किया है? हमने किया है, हमारे विकास ने किया है, हमारी सभ्यता ने किया है, हमारी अर्थव्यवस्था ने किया है। पानी का ये हाल है। धरती तो हमने जहरीली भी बना ली, उसके उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। उसकी उसकी जो उत्पादन क्षमता है, जो उसका कस है, वो कस हमने खा लिया है, वो कस हमने खत्म किया है। वायु प्रदूषण आप जानते हैं। अभी मैं केदार घाटी से आ रही हूँ। केदार घाटी में हम मनुष्यों के विकास के लिए, हमने सुविधा को ही विकास मान लिया है। अगर हमको न चलना पड़े तो हम विकसित हो जाते हैं, अगर हमको कपड़े न धोने पड़े तो हम विकसित हो जाते हैं। महिलाएं कपड़े नहीं धोएंगी, कभी तो पुरुष भी धोते थे लेकिन महिलाएं नहीं धोएंगी, तब वो कहती है अब विकास आ गया। तो आप केदार जी में जो जाते हैं उनको अगर पैदल न चलना पड़े तो विकास हो जाता है। तो अभी वहाँ विकास हुआ है, वहाँ हेलीकॉप्टर से गुप्तकाशी से केदारनाथ 5 मिनट में पहुँचा जाता है, और 5 मिनट में मत्था टेक के 5 मिनट में वापस आ सकते हैं। हमारी भक्ति भी तो इतनी तीव्र गति से चलती है ना आजकल, हम सोचते हैं कि यही हमारी भक्ति है आज। और वहाँ एक कंपनी, दो कंपनी, शायद गवर्नमेंट ने शुरू में सोचा होगा कौन जाएगा, तो कहा कि 5 कंपनियों को काम देंगे, फिर 5 के 10 हो गई, फिर 15 हो गई, अब 18-20 हो गई, और हर एक का हेलीकॉप्टर जा रहा है, हर एक का हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। पूरी घाटी इतनी गूंज जाती है। एक चीज, पशु उस आवाज को सुनकर के गोठ के अंदर से ही रस्सी तोड़ा के जा रहे हैं और गिर जाते हैं, बेतहाशा दौड़ते हैं डर के मारे, और जो उसका धुआं है, जो उसका एग्जॉस्ट है, वो केदार पर्वत के ऊपर के हिमालय को पीला कर रहा है, उसको पिघला रहा है, और पिघला करके वो बहने को बह रहा है। तो हेलीकॉप्टर भी रहेगा, उसको खरीदने वाले पैसेदार लोग भी रहेंगे इस दुनिया में, जो 7,000 रुपया, 7,500 रुपया और नहीं तो 10,000 रुपया देने को तैयार है 10 मिनट के लिए। तो हिमालय रहेगा कि नहीं, सवाल वो है। तो हम पानी खत्म करेंगे, हम हवा खराब करेंगे, हम धरती को समाप्त करेंगे, और हम हिमालय को भी खत्म कर देंगे। ये हमारा समय है, मैं मानती हूँ ये हमारा समय है, और अपने समय पर सबको विचार करना चाहिए। कोई पर्यावरणविद की जिम्मेवारी नहीं है,
कोई शेखर पाठक की जिम्मेवारी नहीं है, कोई किसी और दूसरे की जिम्मेवारी नहीं है। हम सबको सोचना चाहिए, हमारा समय है, हम क्या करने वाले हैं इसके लिए। हमने जंगलों को देखा है, जंगलों को रोकने के लिए भी इस उत्तराखंड के लोगों ने बहुत कोशिश की है, महिलाओं ने की है, पुरुषों ने की है, सबने की है। नदियों को बचाने के लिए बहुत कोशिशें की है, लेकिन जंगल बचा है क्या या बच रहा है आज? नहीं। अभी मैं गई हूँ केदार घाटी और बद्रीनाथ की घाटी में, ऐसे पेड़ कट रहे हैं, सीधे ट्रकों में भरे जा रहे हैं, सीधे सहारनपुर रायवाला कहाँ कहाँ पहुंचाए जा रहे हैं। उत्तराखंड का आदमी कहाँ है? कंपनियां आकर के आपकी सड़कें बना रही है, कंपनियां आकर के आपके ऑल वेदर रोड बना रही है, यहाँ के आदमी कहाँ गए? क्या उनको नहीं आता कुछ भी करना? इतने सारे सवाल रोज के रोज उठते जा रहे हैं। एक चीज को आप थोड़ा ठीक करते हैं तो दूसरा सवाल खड़ा होता है। मैं कहती हूं सही में ये हमारा समय है, और फिर आदमी यहां से कहां जाता है? कहते हैं कि पौड़ी जिले का पता नहीं कितने गांव साफ हो गए, कोई नहीं है। मैं तो अपने कौसानी के पास के एक घाटी है, लोध घाटी कहते हैं, साईगार का नाला, उसमें पदयात्रा कर रही थी अभी कुछ महीनों पहले। तो इतने घर मिले, इतने बड़े बड़े ताले लगे हुए, मैंने कहा अरे एक तो होता घर में कोई नहीं है। नहीं नहीं, सब चले गए। किसी की छत धंस के ऐसी हो गई है, यानी वो कुछ सालों पहले चले गए। तो ये पलायन, यानी क्यों हम अपनी जगह छोड़ रहे हैं? क्या मुसीबत आ गई है? क्या अकाल आ गया है? क्या हो रहा है? क्या ये धरती हिल रही है? क्या हम, हमारी जिंदगी पर कोई खतरा खड़ा हो गया है? क्यों हम जा रहे हैं? ये हमारा समय है। मैं मानती हूं इस सब को लेकर के हमको विचार करना चाहिए। केवल पर्यावरण नहीं, केवल लोग नहीं, केवल नदी नहीं, केवल पर्वत नहीं, कुल मिलाकर के जो दृश्य बन रहा है वो वास्तव में अलार्मिंग है। बशर्ते कि हमारे यहाँ पर कोई घंटी हो, अगर घंटी नहीं है यहाँ पर तो हम कोई भी अलार्म नहीं सुन सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। पर समझ, कुछ उस तरह से समझ करने की कोशिश करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारा समय बहुत विकट समय है, बहुत कठिन समय है। और ऐसे कठिन समय में गांधी को याद करने की बात है। क्या करेगा गांधी यहाँ? गांधी माने गांधी का विचार और गांधी की शैली। इसके साथ पूरे देश को लेकर के देखिए, हमने बहुत बार कहा है, मुझे लगता है कि आज से कौन कितना साल पहले होगा ना, जब इंदिरा गांधी चुनाव लड़ा करती थी, कितने साल होंगे? 40 साल। हाँ, 41 साल है ना, ज्यादा कम 30 साल, 40-45 साल, 80 का दशक। तो तब गरीबी हटाओ, इस एक नारे ने इंदिरा गांधी को जिता दिया। फिर आज भी हमारे नेता तो वही कह रहे हैं, हम गरीबी को 2022 तक मिटा देंगे, हम ये कर देंगे, हम तो आपकी आमदनी दुगनी कर देंगे, हम तो ऐसा कर देंगे, हम तो वैसा कर देंगे। तब से आज तक तो विषमता नहीं मिटी, नहीं मिटी, बल्कि बढ़ी है। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे खरबपति हैं जो किसी के पास तो रहने को जगह नहीं है, फुटपाथ पर सो रहा है, इसी देश का नागरिक। और हमारे इसी देश का नागरिक है जो पता नहीं 20-25
मंजिले मकान केवल अपने परिवार के लिए बनाता है। ये जो विषमता है, मैंने और देश भी देखे हैं और मैंने वहां भी गरीबी नहीं मिटते हुए देखी है। मैं एक छोटे से देश की बात कहती हूँ, डेनमार्क। डेनमार्क बहुत छोटा सा देश, लेकिन वहां पर अधिकतम जिसकी आमदनी होगी और जिसकी न्यूनतम होगी उसके बीच में बहुत कम फर्क है, लेकिन वहां कोई बिना घर के रह सकता है ये मैं कल्पना नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा। हम एक रेलवे स्टेशन पर थे, वहाँ प्लेटफार्म तो ठंडा होता है, तो एक टिकट घर और जो यात्रियों के बैठने की जगह होती है वो सेंट्रली हीटेड होती है। वहाँ पर हम थोड़ी देर इंतज़ार करने लगे तो मैंने देखा जिस सीट पर मैं बैठी थी उसके पीछे एक बंडल रखा हुआ था, एक बंडल जैसे उसके अंदर कुछ गद्दा है, चादर है, कुछ है ऐसा। तो मैंने अपने होश से कहा, ये क्या है, ये इसके पीछे क्या रखा है? उन्होंने कहा, there must be someone who hasn't got a place to sleep। कि इस देश में कोई ऐसा आदमी होगा जिसको रात को सोने के लिए जगह नहीं है। किस देश में है ये? उस देश में जो भारत से तो बहुत अपने को आगे बढ़ा समझता है, और हम भी कल्पना करते हैं कि हम भी वैसे ही बने।